नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वर्धा के दड़गांव में जीवित रहने के लिए मौत के साथ किसान कर रहे दैनिक संघर्ष। गांव के उत्तर में लाल नाला को पार करने के लिए किसानों ने बनाया बांस का पुल। नागपुर में पत्नी के बारे में टिप्पणी करने पर बड़े भाई द्वारा की गई छोटे भाई की हत्या। हत्यारे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदय सामंत की कार पर हमले के मामले में उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय मोरी गिरफ्तार। सरकार ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर आईपीसी 307 के तहत किया मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। वर्धा जिले की सीमा के तहत उपेक्षित तड़गांव के सैकड़ों किसानों को जीवित रहने के लिए हर दिन मौत से जूझना पड़ता है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। गांव के उत्तर में लाल नाला को पार करने के लिए किसानों ने बांस का पुल बनाया। इस पुल पर फिलहाल 150 किसान जानलेवा यात्रा कर रहे हैं। हालांकि यहां के किसान आजादी के बाद से ही ये संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस समस्या से मुंह मोड़ लिया है। ग्रामीणों का कहने का समय आ गया है कि पैसा कहां गया, नेता कहां है, जिसके बाद तालुके के नाम पर लाल नाला परियोजना का नाम रखा गया है। ये नाला उसी परियोजना का उद्गम है। तड़गांव गांव नागपुर और चंद्रपुर जिलों की सीमा पर जंगल में स्थित है। इस गांव के किसानों की कृषि भूमि नागपुर और चंद्रपुर जिले से सटी हुई है, और चूंकि गांव के उत्तर में 150 किसानों के पास कृषि भूमि है, इसलिए उन्हें लाल नाला से होकर जाना पड़ता है। इस नाले से नियमित रूप से बाढ़ आने से किसान के सामने जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई, इससे निजात पाने के लिए तड़गांव के किसानों को सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सैकड़ों किसानों ने बांस का पुल बनाकर ये यात्रा शुरू कर दी है। मी वारंवार या शासनाकडे 14-15 पासून मागणी केली आहे या शिडी पुलाची लोखंडी, कारण पावसाळ्यात 100 ते 150 कास्तकारांना येण्या जाण्यासाठी मार्ग नाही आहे। इकडे पलीकडे शेतात जाण्यासाठी किंवा आपल्या झमकुली मार्ग आहे इकडे जाण्यासाठी, त्यांनासुद्धा हा मार्ग नाही आहे, आणि हाच मार्ग एक केवळ आहे। आणि त्या माध्यमातून पुलाची मागणी केली आम्ही 15 साली, तेव्हापासून आपण शासनाकडे वारंवार निवेदनं दिले, पत्राद्वारे माहिती दिली, तरी प्रशासनाने यावर कोणती दखल घेतली नाही। आणि ह्या दरवर्षी याच पद्धतीत शिडीच्या माध्यमातून हे इकडले जाणेवाले कास्तकार सगळे याच पद्धतीत येणं जाणं करतात। कदाचित कदाचित पावसाळ्यात धोका होण्याची शक्यता असते, तरी पण त्या धोक्यातून सुद्धा सावर ते आपल्या जीव धोक्यात घालून सुद्धा या शिडीवर इकडे तिकडे येणं जाणं करतात। आणि शेतकरी आणि शेतमजूर येणं जाणं करतात, आणि आपला जीव धोक्यात घालून ते अशी इकडले कास्तकार किंवा प्रवासी झमकलेले जाणेवाले प्रवासी सुद्धा या शिडीवरून येणं जाणं करतात, आणि आपल्या जीव धोक्यात घालून ते जातात। आणि अशी मागणी मी वारंवार आपल्या प्रशासनाकडे केले, तरी त्यांनी कोणताच पाठपुरावा न करता केला, आणि प्रशासन इथं येऊन सुद्धा त्यांना बघितलं नाही। अशी विनंती करतो प्रशासनाला की त्यांनी या मोका चौकशी करून यावं, आणि आमच्या निवेदनाला त्यांनी मान्यता द्यावी। संबंधित प्रशासनाला वारंवार तक्रार केली होती आणि या संबंधात कळवलं होतं, परंतु या विषयावरती मला वाटतं साधारणतः 5 वर्षांमध्ये अजूनही कुठल्याच व्यक्तीने दखल घेतलेली नाही। या ठिकाणी आपण जो पूल बघत आहो, तिथे रोज साधारणतः 100 ते 150 शेतमजूर शेतकरी हा प्रवास आपला जीव धोक्यात घेऊन प्रवास करत असतात। एखाद्याचा नकळत दुर्दैवाने जर एखाद्याचा मृत्यू झाला किंवा तो जर या पुरामध्ये पुलावरून जर पुरामध्ये पडला तर एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो। ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन शासनाने ह्या सगळ्या गोष्टी दखल घ्यावी, एवढीच मी या समस्त ताडगाव ग्रामवासियांतर्फे मागणी करतो, आणि आमचं प्रशासनाने म्हणणं ऐकून घ्यावं व लवकरात लवकर जमेल त्या स्वरूपात पुलाची मागणी ही आमच्या ग्रामस्थांतर्फे स्वीकारावी, ही विनंती। धन्यवाद। पंढरपूर तक
तकली पुल पर आज सुबह 4 बजे के बीच मिराज से कुर्दुवाड़ी जा रही ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई है और एक को पंढरपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं और आगे की जांच पंढरपुर रेलवे पुलिस कर रही है। पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। घटना नागपुर के वाठोड़ा थाना क्षेत्र के श्रवण नगर इलाके की है। चंद्रकांत पौनीकर ये 30 वर्षीय मारे गए युवक का नाम है। रोशन पौनीकर को पुलिस ने उसके भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रकांत और रोशन दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। वो अपने परिवार के साथ श्रवण नगर इलाके में रहते थे। कई सालों तक दोनों के बीच लगातार झगड़ा होता रहा, लेकिन मंगलवार को लड़ाई एक भाई की मौत के साथ खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की रात चंद्रकांत ने नशे की हालत में रोशन की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पारिवारिक विवाद के चलते कुछ दिन पहले रोशन की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लड़ाई में चंद्रकांत ने कहा, तुम अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सके, तुम हमारी देखभाल कैसे कर सकते हो। रोशन पहले से ही उदास था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। गुस्से में उसने अपने छोटे भाई चंद्रकांत को गाली देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दोनों के बीच हुआ जुबानी झगड़ा मारपीट में बदल गया। लड़ाई की आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंची। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों के बीच मारपीट का शोर शांत हो गया था। कुछ देर बाद रोशन की मां ने बाहर आकर पड़ोसियों को सूचना दी कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रकांत को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने रोशन पौनीकर को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। ये देश की आजादी का अमृत महोत्सवी वर्ष है। इस मौके पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम ने भी स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष को एक अलग और अभिनव तरीके से मनाने का फैसला किया है। महाहैंडलूम ने फैब्रिक ऑफ यूनिटी की बुनाई की अभिनव पहल की है। 75 फीट लंबाई का एक अखंड कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ये गतिविधि शहर के नागरिकों और छात्रों की मदद से लागू की जा रही है और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रही है। वर्तमान में सैकड़ों छात्र एक एक धागा बुनकर हथकरघा मशीनों पर कपड़े बुनने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है बल्कि ये एकता का कपड़ा है। हमारा देश इस वर्ष को अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मना रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम की ओर से 75 फीट कपड़ा तैयार किया जाना है। ये खास बात है कि ये परिधान आम नागरिकों के हाथों से बुना जा रहा है। इस गतिविधि में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। 18 अप्रैल से शुरू हुई ये पहल 15 अगस्त तक नागपुर स्थित महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम के कार्यालय में लागू रहेगी।
अब तक आम नागरिकों के सहयोग से लगभग 74 मीटर लंबे परिधान का उत्पादन किया जा चुका है। इसमें सामाजिक संगठनों, स्कूली छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, अधिकारियों ने भी भाग लिया। पुणे पुलिस ने उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय मोरे को पूर्व मंत्री उदय सामंत की कार पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बीते मंगलवार की शाम को उदय सामंत की कार पर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए थे। पुणे पुलिस ने उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय मोरे को पूर्व मंत्री उदय सामंत की कार पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बीते मंगलवार की शाम को उदय सामंत की कार पर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए थे। गिरफ्तारी से पहले जिला प्रमुख संजय मोरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की पुणे में जबरदस्त सभा हुई, उसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके चलते सरकार ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर IPC 307 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बताया कि संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिला था। ईडी के मुताबिक प्रवीण संजय राउत के लिए फ्रंटमैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश भी भेजते थे। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। ईडी ने सोमवार को बताया कि पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसे का उपयोग अलीबाग में किहिम बीच स्थित इन 10 प्लॉट की खरीद के लिए किया गया था और संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत ने दिया था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे के दौरे के दौरान कल दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल का दौरा किया, प्रकाश आमटे से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री को पता चला कि आमटे वर्तमान में ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उनका पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुणे दौरे के अंत में डॉक्टर आमटे से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बीमारी का सकारात्मक रूप से सामना करने का उनका दृढ़ संकल्प और स्थिति में भी समृद्ध जीवन जीने की उनकी इच्छा को प्रकृति का साथ न देने के बावजूद उनकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस किया गया। इस मुलाकात के बाद उन्होंने उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे और पुत्र डॉक्टर कौस्तुभ आमटे और अन्य परिवारों से बात करने के बाद चल रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक भी मौजूद थे। तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।